स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पिंकी कोसी किचन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाजर की एक नई रेसिपी। ये देखिए, ये हमने 250 ग्राम गाजर ली है और ये 4 आलू लिए हैं। आप आलू अपने हिसाब से रख सकते हो इस रेसिपी में। रेसिपी को टेस्टी बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 टमाटर, ये हरी मिर्च आप अकॉर्डिंग रखिएगा। ये एक टुकड़ा हमने अदरक का रखा है और ये हरी मेथी है, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश मेथी है। अब हम सबसे पहले गाजर को छील लेंगे। ये देखिए, हमने आलू और गाजर को काट लिया है। इस तरह से काटा, आप जैसे चाहो वैसे काट सकते हो। ये हमने टमाटर को भी काटा है, बारीक काटा है, और मेथी की पत्तियों को भी हमने इस तरह से काट लिया है, और हरी मिर्चों को हमने चॉप किया है। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैन लेंगे, उसमें हम तेल को गैस पर रख देंगे। ये हमने पहले यूज किया हुआ तेल रखा है गैस पर, अब इसे हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अब हम गाजर को डाल देंगे, फ्राई करेंगे गाजर को। ये धीरे धीरे डालिएगा ध्यान से। और इसे हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देखिए, गाजर को हमने 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और गाजर अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है। आप हाथ लगा कर देख सकते हो, एकदम नरम हो गई है। अब इन्हें निकाल लेते हैं हम। अब आलू को भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे, इसके अंदर ध्यान से छोड़ देंगे और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, आलू भी फ्राई हो गए हैं, अभी इन्हें भी निकाल लेते हैं हम। ये देखिए, हमने दोनों चीजों को फ्राई कर लिया है, आलू और गाजर को। अब हम तड़का लगाएंगे आलू गाजर में। चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। ये हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। अब हम इसमें 1 चम्मच ये सरसों का तेल है, आप जिस भी तेल में खाना पसंद करते हो वो डाल लीजिएगा। अब हम इसको गर्म होने देंगे। ये देखिए, धुआं निकल चुका है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। यानी अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, जीरा अच्छे से लाल हो चुका है। अब इसमें हम ये हमने जो हरी मेथी ली थी काट कर, ये डाल देंगे। अब इसमें हम अपने टमाटर डालेंगे, ये जो हमने काटे थे। अब हरी मिर्चें डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्चें। अब एक बार इनको अच्छे से मिलाकर 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपनी सब्जी के हिसाब से डालिएगा, हमारी सब्जी में 1 चम्मच नमक का जाएगा। 1 चम्मच हम हल्दी का डालेंगे, 1 चम्मच हम पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच हम लाल मिर्च पिसी हुई। अब सभी चीजों को मिला लेंगे। अब इसमें हम अपना अदरक डालेंगे, ये जो हमने ग्रेट किया हुआ है बारीक।
अब एक मिनट के लिए और पकाएंगे हम इस मसाले को। ये हमारा मसाला पक चुका है, अब इसमें हम अपनी सब्जी को डालेंगे। ये हम गाजर और आलू को डाल देंगे जो हमने फ्राई किए थे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे, मसाले के साथ कोट करेंगे। ये देखिए हमने सब्जी को मिला लिया है, अब इसे हम ढककर 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे। ढक देते हैं और 5-6 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। चलिए हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं, 5-6 मिनट हो गई है पकते हुए। ये देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है, गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए आप हाथ लगा कर देख सकते हो, एकदम नरम सब्जी, आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए हमने एक बाउल में निकाल लिया है, अब इसमें हम हरा धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे सब्जी में, और बहुत ही टेस्टी बनी है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये अच्छी लगी हो रेसिपी तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो